बोलिए देवादिदेव एक हजार आठ पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मे शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका देकर के तारा है, ऐसे पूज गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में अपन चलते हैं। सर्वप्रथम नमोस्तु निवेदित करने के लिए भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, पूज गुरुदेव की कल्पना को अपन सब लोगों ने मिलकर के साकार किया है और साकार हुई तो सामने नजर आया हमें गुणायतन और पंचायतन शैली का ये जिनालय। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि अभी तक आप गुणायतन परिवार से नहीं हैं तो गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके इनकी विभिन्न योजनाओं से आप संपर्क करके निश्चित रूप से आप जुड़िएगा जुड़िएगा। और आज जो निर्माण निधि के रूप में जुड़े हुए हैं गुणायतन से, ऐसे श्री आदिनाथ जी जिंगोड़ा पांचोरे, स्वर्णा जी आदिनाथ जी पांचोरे, जयसिंहपुर से जोरदार ताली बजाए इन सबके लिए, श्रीमती सुलोचना जी, नरेंद्र जी, राहुल जी जैन रायसेन से, महावीर जी निकोतिया, मीनाक्षी जी निकोतिया मुंबई से, और डॉक्टर निधि दीदी माता श्री श्रीमती कल्पना जैन डोंगरगढ़ से जो कि प्रतिभा स्थली की है, जोरदार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और आज जो निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे श्रीमती पुष्पा बाई जी जैन, श्री चंद्र प्रकाश जी जैन, श्रीमती नीतू जैन, नमन जैन, नम्रता जैन भोपाल से हमारे बीच में। मैं निवेदन करता हूँ कि मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। और इसी के साथ बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं हमारे सुभाष जी से निवेदन करता हूं, सीईओ गुणायतन यहां पर उपस्थित हैं, इनका अभिनंदन करेंगे। चलिए प्रद्युम्न जी यहां पर उपस्थित हैं, मैं निवेदन करता हूं प्रद्युम्न जी आइएगा। साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं हमारे गुणायतन के सहकोष अध्यक्ष देवेंद्र जी गया यहां पर उपस्थित हैं, मैं निवेदन करता हूं अजमेरा जी आइएगा, इनका अभिनंदन, और भी लोगों का अभिनंदन होना तो आप यहां पर रहिएगा, जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। बंधुओं, इसी क्रम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रीमान हीरा लाल जी, तारा देवी जी पाटनी, हेमंत जी, सरला जी, संगीता जी जैन इंदौर से, तालियां बजाएं इनके लिए। देखो, हम कर पा रहे हैं दान की नहीं कर पा रहे हैं, पर जिन्होंने किया है उनकी अनुमोदना करके भी हम पुण्य अर्जन कर सकते हैं। श्रीमती अरुणा जी निकोतिया, श्रीमती रजनी जी, अरुण जी निकोतिया, श्रीमती रजनी जी, वरुण जी, निधि जी, मान्य जी मुंबई से, इन्होंने भी अपने आप को सूत्रधार के रूप में जोड़ा है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और आज यहां पर उपस्थित हैं जो सूत्रधार के रूप में, श्रीमती सुशीला जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेंद्र जैन, श्री नीरज जी जैन, श्रीमती अर्चना जैन, निशित जी जैन, अंशित जी जैन दिल्ली से यहां पर उपस्थित, मैं निवेदन करता हूं आप निकट आइएगा। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में एनएल जैन साहब यहां पर उपस्थित हैं, जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करते हैं, कृपया आइएगा। पुनः आवाज दे रहा हूं श्रीमती सुशीला जी धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेंद्र जी, निकट आइएगा, शीघ्रता से मंच के ऊपर आए। चलिए, जब तक वो पहुंच रहे बंधुओं, संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में जो जुड़े हैं, ऐसे राकेश जी, पुनीत जी दिल्ली से जोरदार ताली बजाए बंधु। देखो, यहां है तो जुड़ रहे हैं, नहीं है तो भी जुड़ने का जिन्होंने भाव बनाया है उनके लिए जोरदार डबल तालियां बजती हैं बंधुओं, डबल तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं बंधुओं, आज जिन्होंने, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सिद्ध चक्र विधान जो यहां पर हो रहा है, होने वाला है 10 मार्च से 18 मार्च तक, कितने लोगों ने अपनी सहभागिताएं उसमें दी हैं, जो विधान में मंडल लेकर के बैठ रहे हैं, इंद्रानी बनकर के बैठ रहे हैं, वो तो ठीक है, जो नहीं आ पा रहे हैं उन्होंने भी विधान से जुड़ने का अपना मन बनाया है। ऐसे मॉडल टाउन दिल्ली से श्री सम्यक जी, इंदु जी, इंद्रप्रीत जैन, त्रिशला जी जैन, रूपाली जैन, सब परिवार, इन्होंने
इस विधान के लिए एक दिन की द्रव्य समर्पित की है। जोरदार ताली बजाकर उनका हम बहुत 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 अभिनंदन करते हैं बंधुओं और संस्थापक सदस्य जिन्होंने अपने आप को परम संरक्षक के रूप में जोड़ ही लिया है। हमने अभी उनको बुला ही लिया था, श्रीमती कांता जी के पुत्र जिन्होंने अपनी माँ के गुणगान गाए यहाँ पर, राकेश कुमार जी, श्रीमती रजनी जी, जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए मैं प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ। झांझरी जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, सुभाष जी, सुदास, सुजाता जी, झांझरी पुलगांव से, और इसके बाद तैयार रहेंगे रति जी गोधा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। संजय गुरुदेव, मैं पुलगांव से सुभाष झांझरी, वर्धा महाराष्ट्र। द्वय मुनि राजो के चरणों में कोटिशा नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज। मैं पुलगांव समस्त जैन समाज की ओर से भी आपको नमोस्तु करा रही हूँ महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि शेर हो या हिरन, जिंदगी के लिए भागना तो पड़ेगा ही। तो फिर महाराज श्री, ये जो मनुष्य है यानी इंसान, ना तो हिरन है ना शेर है, फिर भी क्यों भाग रहा है? मैं कहता हूँ यदि शेर और हिरण का अनुकरण करोगे तो भागते रहोगे, अगर इंसानियत का अनुभव करोगे तो जाग जाओगे। भागो नहीं, जागो। नमस्ते महाराज। मैं अपने जीवन का एक प्रसंग आप सबसे कहना चाहूँगा। 1985 की बात है, मैं ब्रह्मचारी था, मध्य प्रदेश के खुरई शहर में था, वहाँ बंदरों का बड़ा आतंक था। एक बंदर मेरे ऊपर बिल्कुल खांसने लगा, मुझे भपकी देने लगा, बंदर भपकी बोलते हैं, डराने लगा। मैं उस बंदर को देख के थोड़ा भागा, मुझे लगा कि मुझे झपट न ले। मैं भागने लगा तो वहाँ का जो माली था उसने दूर से आवाज़ दिया, उन दिनों ब्रह्मचारी भैया जी नहीं कहलाते थे, त्यागी जी कहा जाता था, अब भैया जी हो गए इसलिए भैया ही बने हुए हमसे। उन्होंने बोला, त्यागी जी भागो मत। मैं रुक गया, जैसे मैं रुका देखा बंदर थोड़ी देर मेरे लिए तरफ देखा, फिर अपना रास्ता नाप लिया। आज भी वो दृश्य मेरे आँखों के सामने। तो मैं तो एक ही बात सीखता हूँ और आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब भी परिस्थितियों का बंदर आपको भपकी दे, भागो मत, सामना करो, जागो। वो भाग जाएगा, उसका सामना करने की कला सीखिए, जीवन तभी आगे बढ़ेगा। संजय जी, नीलम जी, रति गोधा धनबाद से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं शोभा राजेंद्र जी पाटोदी छिंदवाड़ा से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि झूठ ना बोले, फिर भी हम झूठ बोलते हैं, और जब वो झूठ पकड़ा जाता है तो उसको छुपाने के लिए भी झूठ बोलते हैं। महाराज जी हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे झूठ बोलने की आदत छूट जाए? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें मैं बच्चों का दोष कम, बड़ों का दोष ज़्यादा देखता हूँ। बच्चों से कहा तो जाता है, सिखाया जाता है कि झूठ ना बोलो, पर दिखाया जाता है कि झूठ बोलो, है ना? आज की इस व्यवस्था पर यशपाल जैन की एक कहानी मुझे याद आ गई। बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार, उन्होंने लिखा, बेटा स्कूल गया, उसे पढ़ाया गया सदा सत्य बोलना चाहिए। घर आया, मकान मालिक किराया वसूलने के लिए उसके पिता को खोजा, वो अंदर गया, पिता ने कहा जाओ कह दो पापा घर में नहीं है। दूसरे दिन स्कूल में पढ़ाया गया सब जीवों से प्रेम करो, घर आया देखा उसके मम्मी पापा किसी बात पर बुरी तरह झगड़ रहे थे। तीसरे दिन जब वो स्कूल गया उसे पढ़ाया गया सब जीवों पर दया करो, घर आया देखता क्या है, उसका बड़ा भाई एक अपाहिज भिखारी को
निर्ममता पूर्वक डंडा मारकर खदेड़ रहा है। चौथे दिन जब उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया तो उसने कहा, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते। हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। हमें पढ़ाया कुछ जाता है, सिखाया कुछ जाता है और दिखाया कुछ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर का बच्चा सत्यनिष्ठ बने तो पहले तुम घर का वातावरण सत्यनिष्ठ बनाने की कोशिश करो, ताकि कोई भी बच्चा इधर से उधर ना हिल सके। समझ गए? तो मजबूत होना चाहिए। एक व्यक्ति का बच्चा था, 4 साल का था, छोटा था, टिकट नहीं कटाई। तो किसी ने बोला, ये टिकट क्या कटा रहे हो, इसका थोड़ी किसी को पता लगेगा। उस व्यक्ति ने कहा, और किसी को पता लगे या ना लगे, मेरे बेटे को तो पता लग जाएगा कि मैं 4 साल से अधिक का हूँ और मेरा टिकट नहीं लिया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों में जो आदर्श हम देखना चाहते हैं हमें उसे प्रस्तुत भी करना चाहिए। शोभा राजेंद्र जी पाटोदी छिंदवाड़ा से, और उसी के साथ तैयार रहेगा योग पाटोदी। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे पिताजी श्रीमान बाबूलाल जी पाटोदी, जिन्होंने त्याग और धर्म के नाम को सर्व जगत में आगे बढ़ा दिया और उनके संस्कार को स्थायित्व लेते हुए हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाए और उनके भी मोक्ष मार्ग को कैसे प्रशस्त करें और दिन पर दिन हमारी भी पुण्य की वृद्धि होती रहे और हम भी धर्म मार्ग में और इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ते रहे, कृपया जिज्ञासा कर दीजिए, समाधान करिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाबूलाल जी भी सामने आ जाओ तो अच्छा है, पहले आ जाओ दोनों जा। हाँ, मैं निवेदन करता हूँ माननीय बाबूलाल जी पाटोदी छिंदवाड़ा से हमारे बीच में, पूरा परिवार एक साथ एक बार पाटोदी परिवार आ जाए। हाँ, पूरा, हाँ, पाटोदी परिवार एक साथ पहुंच जाए। बाबूलाल जी पाटोदी एक ऐसे शख्स है जिनको मैं ब्रह्मचर्य अवस्था से जानता हूँ और आज का दिन मेरे लिए खास है। आज 4 मार्च है, आज ही मुझे गुरु की शरण प्राप्त हुई थी, आज 38 वर्ष हो गए। समझ गए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज पूरे परिवार को, सब लोग नहीं, बस बाबूलाल जी उनकी धनपत्नी, सब लोग नहीं, तो ये आज 4 पीढ़ी के साथ सबको लेकर यहाँ तीर्थ की वंदना का भाव लेकर आए हैं। आपने बहुत अच्छा भाव जगाया कि ये संस्कार की ज्योत हमारे परिवार में आने वाली पीढ़ियों में जलती रहे उसके लिए हम क्या करें। तो जो विरासत में मिला है उसे संभालो। विरासत में मिली संपत्ति को लोग बहुत संभालते हैं, पर भाग्यशाली वे होते हैं जो संस्कृति को संभालने का प्रयत्न करते हैं। तो ये संभालना आप सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरह धर्म के प्रति और देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पित होकर बाबूलाल जी ने अपना जीवन बिताया, आगे की 3 जनरेशन मेरे साथ और सामने खड़ी है, वो भी उसे आगे बढ़ाए। हर बाबूलाल जी से मैं ये कहूँगा, एक ही लक्ष्य रखो कि मेरा अंत घर में ना हो। हाँ, मेरा अंत घर में ना हो, मेरा अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, निश्चित हमारे जीवन में लाभ होगा। हाँ, पाटोजी जी प्रश्न पूछ रहे हैं और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। हमारे बीच में आशीष जी देहरादून से हैं, परियोजना निर्देशक गुणायतन के, और सुभाष पूनम जी सीईओ गुणायतन, इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। तब तक पाटोजी जी अपना प्रश्न रख रहे हैं। पाटोजी जी, पूज्य मुनि द्वय को बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि सम्यक दर्शन पूर्वक समाधिमान कैसे हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बस अब कुछ नहीं करना चाहिए, 4 पीढ़ी देख ली, अब गुरु चरणों में रम जाओ, सब हो जाएगा। आगे समझ में, यहाँ अगर बाल बच्चों में ही लगे रहोगे, नाती पोतों को उन्हीं को खिलाते रह जाओगे, अब अपनी आत्मा को खिलाने का प्रयत्न करो, जिससे जीवन का अर्थ, मनुष्य के जीवन की एक बड़ी विडंबना है, जैसे जैसे घर परिवार बढ़ता है वैसे वैसे उसका लगाव भी बढ़ता जाता है। अब अपना लगाव इनसे नहीं, अपना लगाव गुरु चरणों से बढ़ना चाहिए,
अपना लगाव आत्मा से बढ़ना चाहिए, अपना अनुराग धर्म से बढ़ना चाहिए, तभी अपने सम्यक्त को सुरक्षित रखते हुए समाधि तक पहुंच सकेंगे। ओम। अभिनंदन कर रहे हैं। लीजिए, मैं हमारे कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब से निवेदन करूंगा, आप सहभागिता सम्मान में जोरदार, क्योंकि व्रत का सम्मान व्रत ही करे तो बहुत अच्छी बात है, और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ अब अगले प्रश्नकर्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा। अच्छा, योग पाटोदी को पूछना है अभी बेटा, योग प्रश्न अपना सवाल करो। योग, हाँ योग भाई आगे आ जा बेटा और प्रश्न पूछेगा अपना। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं अशोक कुमार जी मुंबई से। नमोस्तु महाराज जी, मैं योग्य पाटोदी छिंदवाड़ा से एमपी। बोलो, चलो बोलो। नमो हरियंतानम के जाम में ऐसा क्या है जो हम सबको पुण्यशाली बना देती है? नमोस्तु महाराज जी। अरे आप पूछो कि अरहंत में ऐसा क्या है जो हमारे जीवन को धन्य कर देती है। हम जिनको जपते हैं वे लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो सर्वश्रेष्ठ को भजता है वो सर्वश्रेष्ठ को पाता है, इसमें क्या बुराई। तो अरहंत वो हैं जिन्होंने अपनी आत्मा का उद्धार किया है, हम उनकी आराधना करते हैं। चलिए आइएगा, पाटोदी परिवार पहुंच रहा है। और अब अशोक कुमार जी मुंबई से अपना प्रश्न रखे हैं। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में अजीत जी बेंगलोर से और सागर जी बेंगलोर से यहाँ पर हैं, निवेदन करता हूँ मंच के लिए कटाएंगे, प्रश्न के साथ साथ इनका अभिनंदन भी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा देवेंद्र जी गया और संजय जी गोधा से कि इनका अभिनंदन करेंगे। आइएगा, पहले प्रश्न रख रहे हैं अशोक जी, बोलिएगा। हे निर्ग्रंथ वीतराग मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि विज्ञान ने इतनी उन्नति की है कि वो सैटेलाइट के माध्यम से मंगल ग्रह और चंद्रमा के फोटो ले रहा है और धरती का कोना कोना नाप लिया है। मेरी जिज्ञासा ये है कि आपकी दृष्टि में वो क्या कारण है कि विदेह क्षेत्र का एक भी फोटो सैटेलाइट से हमें अभी तक नहीं मिला और दुनिया के किसी एटलस में उसका कोई जिक्र नहीं मिला। देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार अपना उत्तर दिया है कि वर्तमान का जो विश्व है संपूर्ण विश्व का बहुत छोटा हिस्सा है, ये अशाश्वत धरा है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जम्बूद्वीप की बात तो जाने दीजिए, भरत क्षेत्र के आर्यखंड का ही एक छोटा सा हिस्सा है। मैंने अनेक से कहा कि जब ये धरती भोग भूमि थी तो फ्लैट थी, भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित हुई तो एक योजन ऊपर उठ गई। एक योजन ऊपर उठने से धरती ने ग्लोबल शेप ले लिया। ये धरती में होने वाले बहुत बड़ा परिवर्तन था, एक प्राकृतिक परिवर्तन। उस परिवर्तन से ये सारे के सारे जितने उपग्रह हैं वो प्रकट हो गए हों, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ कुलकरों की चर्चा में ये तो आता है, चांद तारे दिखने लगे, नदी नाले निकल गए, जो पहले कुछ नहीं था वो पहाड़ निकलने दिखने लगे। तो ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन था, इसके कारण अनेक उपसमुद्र और क्षुद्र पर्वत प्रकट हुए, इससे शेष जम्बूद्वीप से इसका संपर्क टूट गया। पर विडम्बना ये है कि हमारे यहाँ जो आज शास्त्र है और जो भूगोल है वो शाश्वत पृथ्वी का है, हम रह रहे हैं वो अशाश्वत धरा में, इसलिए वो सूचनाएँ हमारे पास नहीं है। हम इतनी दुनिया को समझ रहे हैं कि दुनिया इतनी सी है, ये जो ग्लोब है यही दुनिया नहीं है, ये दुनिया का एक छोटा हिस्सा है। संसार बहुत बड़ा है और वो विज्ञान के पहुंच से अभी बाहर है, वो तो बस दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है जिसे हमें स्वीकार करके श्रद्धान करना चाहिए। ओम। अरुण अलका जी नरपत्या भोपाल से गुणायतन दृष्टि हमारे बीच में, यहाँ पर मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आप यहाँ पर आइए और उनका अभिनंदन होगा। देवन जी आ रहे हैं, निवेदन कर रहा हूँ। अरुण जी अलका जी नृपत्या भोपाल से गुणायतन दृष्टि निवेदन करता हूँ, मंच के ऊपर आए। और बंधुओं, अभी अभी जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जोड़ लिया है, ऐसे देवेंद्र जी, तारा जी, गुंजन जी, अनुज जी गंगवाल मुंबई से हमारे बीच में, मैं निवेदन करता हूँ आप भी मंच के ऊपर आइएगा और गुणायतन परिवार आपका भी अभिनंदन करता है। दोनों परिवार से निवेदन कर रहा हूँ, क्रम क्रम से एक एक करके यहाँ पर पहुंचिएगा। देवेंद्र जी, तारा जी, गुंजन, अनुज जी, मैं अरुण जी, अलका जी से निवेदन करता हूं, पहले आप पहुंच रहे हैं, जोरदार जोरदार ताली बजा करके, जो कि हमारे गुणायतन के ट्रस्टी है बंधुओं, अभिनंदन कर रहा है।
और निवेदन करता हूं मेमेंटो के साथ इनका अभिनंदन करेंगे। चलिए और इसी के साथ आ रहे हैं देवेंद्र जी, गुंजन जी, अनुज जी गंगवाल मुंबई से। अलका जी अपना प्रश्न रखें, तब तक आप पहुंचिएगा ऊपर। महाराज भाई के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री देव शास्त्र गुरु पर हमारी श्रद्धा बनी रहे, अंतिम समय हमारी मति सन्मति बनी रहे और ऊपर ऊपर शुद्धि बढ़ती रहे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु महाराज। बैटरी को हमेशा चार्जर से जोड़े रखना चाहिए, जब डिस्चार्ज हो जाए चार्ज कर लो, अपने आप सब बना रहेगा। चलिए देवेंद्र जी, तारा जी, गंजन जी पहुंच रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में गुणायतन से अभी अभी जोड़ा है। आप वहां पहुंचेगा, पहुंचेगा, अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही साथ अभिनंदन के साथ अपना प्रश्न भी वो रखेंगे। और इसी के बाद तैयार रहेंगे अर्चना जी, सुनील जी जैन पथरिया से। लीजिए प्रश्न रख रहे हैं अपना आप, शीघ्रता से बोलिएगा। नमोस्तु भगवान, मैं अलका जैन नासिक से, और मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब भी मंदिर जी में जाती हूँ या मुनि महाराज जी के सानिध्य में मैं उनका प्रवचन सुनती या मतलब संतों के सानिध्य में बैठती हूँ, तब मेरे भाव ऐसे हो जाते हैं कि बस सब व्यर्थ है, मुझे अब कुछ करना ही नहीं, यही सब कुछ है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मैं जब घर वापस आती हूँ तो फिर डगमगाने लगती हूँ। ले लो नियम, ले लो, अब जाऊँगी नहीं। नहीं नहीं जाऊंगी नहीं गुरु, मैं चाहती हूँ कि एकाग्रचित होकर इस रास्ते पे जाने की चाह है ना, वही हमें रोकता। हम लोग धर्म को बुद्धि से स्वीकारते हैं, हृदय से नहीं। जिस दिन धर्म को हृदय से स्वीकार लोगे जीवन बदल जाएगा। इसलिए इसे बौद्धिक खुराक के रूप में मत देखो। मैं आप सबसे कहता हूँ, आप प्रवचन सुनना बंद करो। नमोस्तु भगवान। कितने खुश हो गई। मैं क्या बोल रहा, पूरी बात सुनो। प्रवचन सुनना बंद करो, प्रवचन मत सुनो। गुरु की बात को मेरे लिए दिया गया मार्गदर्शन मान करके सुनो, फिर देखो क्या रंग आता है। समझ गए, वो अंदर उतरेगा, बाकी तो सब इधर ही है। यहाँ भी कितना, आप लोगों की मेमोरी कितनी है तो सबको पता ही है ना। तो इधर से सुन के कहीं तो इधर निकाल देते हैं, अंदर उतरे, हृदय स्पर्शी हो तो जीवन बदलता। चलिएगा अर्चना सुशील सुनील जी पथरिया से अपना प्रश्न रखेंगे। उसके साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले श्रीमती सुशीला जी, धर्मपत्नी राजेंद्र जी, नीरज जी, जो कि सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं यहां पर आ चुके हैं, वो कृपया मंच के ऊपर आए। अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार उनका, कृपया ऊपर आ जाइएगा। और देवन जी से निवेदन करूंगा, अभी आ रहे हैं वो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर, हमारी बेटी का प्रश्न है। MPPSC के बाद इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। उसने पूछा है कि जैन धर्म धर्म है या पंथ या संप्रदाय? जैन धर्म पूरी तरह धर्म है, स्वतंत्र धर्म है, भारत के प्राचीनतम धर्मों में एक है। इसे पंथ और संप्रदाय के रूप में देखना कतई उचित नहीं। नमोस्तु गुरुवर। चलिएगा, जब तक वो पहुंचते हैं मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं बंधुओं, आज हमारे बीच में जिन्होंने जिन्हें आज एक विशेष दायित्व सौंपा गया है गुणायतन में निर्वाण मंत्री का, ऐसे हमारे बीच में श्रीमान बिपिन जी जैन अपनी दोनों पुत्रियों के साथ रिद्धि सिद्धि के साथ यहां पर उपस्थित हैं। दिल्ली से मैं निवेदन करता हूं मंच के निकट आए, जोरदार और जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। ऐसा निकाम नहीं चलेगा, अब दायित्व सौंपा है तो उसका निर्वहन करना ही होगा। मैं निवेदन करता हूं विपिन जी से अपनी दोनों पुत्रियों के साथ रिद्धि सिद्धि एक साथ पहुंचे वहां पर, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं एनएल जैन साहब और सुभाष जी से निवेदन करता हूं यहां पर। एनएल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष और आशीष जी से निवेदन करता हूं हमारे बीच में देहरादून से, जो कि परियोजना निर्देशक है यहां पर उपस्थित है। जोरदार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करती है। देखो विपिन जी के बारे में मैं कहूंगा, खड़े हो जाओ दोनों रिद्धि सिद्धि। विपिन जी बड़े उत्साही और ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं,
कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय से संबद्ध होने के साथ साथ गुरायतन से तो जुड़े ही हैं और बड़े समर्पण के साथ जुड़े हैं। आज इनके सिर पर जो साफा पहनाया जा रहा है, अनिल जैन साहब थोड़ा साइड होके करो, अनिल जैन साहब थोड़ा सा, नंदलाल जी साइड से, हाँ विपिन भाई तुम्हारे सिर पर यह साफा तुम्हारे सम्मान के लिए नहीं पहनाया जा रहा है, तुम्हें बांधने के लिए पहनाया जा रहा है। अब तुम्हारे सिर पर जो साफा रखा गया है इसका मान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मुझे विश्वास है अब तक गुनायतन में जितने जुड़े हैं सब नगीने हैं और विपिन भी पूरे नगीना ही बनेंगे और आगे बढ़ करके चलेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है, इनकी बेटी भी बहुत अच्छे से जुड़ी है, सिद्धि तो खुद आर्किटेक्ट है ही और दोनों बेटियां एक है रिद्धि और सिद्धि। मैंने कहा कितना भाग्यवान व्यक्ति है जिसके घर में रिद्धि सिद्धि दोनों हैं, ये जीवन में बहुत दुर्लभ संयोग मिलता है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जिस भाव से आप जुड़े हैं और जो दायित्व आपको दिया जा रहा है आप उसे अच्छे से निभाओगे और सबके भरोसे को पे पूरी तरह खड़े उतरोगे। सुशीला जी राजेंद्र जी का अभिनंदन कर रहा है गुणायतन परिवार, आइएगा कृपया। और इसी के साथ तैयार रहेंगे उपमा बच छिंदवाड़ा से, विपिन को पूछना क्या लीजिए, इनका अभिनंदन कर रहे हैं हमारे देवेंद्र जी, पहले विपिन जी पूछेंगे। चलिए शीघ्रता से आ जाए, उपमा बच अति शीघ्र पहुंचे, विपिन जी सवाल करेंगे। अच्छा विपिन जी पूछ रहे हैं क्या, बेटियों को बुला लो। महाराज श्री के चरणों में नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जो हम व्यापार करते हैं, जो हम अपने रोजाना के काम करते हैं और उसके बाद हम अपने धर्म के लिए और अपनी समाज के लिए अपनी संस्कृति के लिए जो काम करते हैं उसे करके जो आनंद मिलता है वो बताने के लायक नहीं है। वो अंदर से जो खुशी मिलती है, जो स्ट्रेंथ मिलती है, जब गुरु हमारे को कोई जिम्मेवारी देता है वो अपने आप ही पूरी हो जाती है, उसमें कुछ बोझ नहीं लगता। वो दायित्व जरूर है लेकिन वो करके गर्व महसूस करता हूँ मैं, ऐसा मानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमोस्तु नमोस्तु। बहुत 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 अच्छी बात आपने की, मैं एक ही बात कहता हूँ, व्यापार आदमी धन कमाने के लिए करता है और सेवा आत्मतुष्टि के लिए करता है। धन कमा कर कभी किसी को संतुष्टि नहीं हुई और हृदय से सेवा करने वाला कभी असंतुष्ट नहीं हुआ, ये जीवन का आदर्श बनाकर चलना चाहिए। चलिए उपमा जी बच छिंदवाड़ा से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे डॉक्टर निश्चल जी सुरेंद्र जी गोधा वासिम महाराष्ट्र से। मुनि द्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा आज का प्रश्न आज सुबह के सकलीकरण के माध्यम से है। हे गुरुवर, यदि हमें मालूम है कि हमें हमारे परिवार में या हमारी पीढ़ी में आगे आने वाले 2-3 दिन में कुछ मतलब शोर सूतक होने वाला है, उसके बावजूद भी हम जानबूझ के सकलीकरण करवाते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है और ये सकलीकरण कितनी पीढ़ी तक कहाँ तक मान्य रहता है, कृपया इस पे। केवल सूतक से बचने के लिए कराए गए सकलीकरण का उचित नहीं है, लेकिन अच्छे कार्यों में भाग लेने के लिए किया गया सकलीकरण सदैव औचित्यपूर्ण है। समझ गए, तो कोई अच्छा निमित्त आ रहा है, पंचकलानक है, कुछ है, संकल्पित हो गए हम पहले से, तो संकल्प से सब लाभ मिलता है, केवल फॉर्मेलिटी करने से नहीं। लेकिन गुरुवर एक ही सिटी में रहकर यदि हम सकलीकरण, आप सकलीकरण करने का मतलब ये नहीं कि धागा भर बांध लें, सकलीकरण करने का मतलब है सामने वाले से फिर अगर कुछ हुआ तो हम अलग हो गए, तब उसका नाम है सकलीकरण, धागा बांधने का नाम नहीं। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। निश्चल सुरेंद्र जी गोधा वासी महाराष्ट्र से, और मैं इसी के बाद आशीष जी से निवेदन करता हूं, देहरादून परियोजना निर्देशक गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। वाशिम समाज की ओर से निश्चल सुरेश कुमार जी गोधा है, समस्त गोधा परिवार की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरे साथ ऐसा कई भी होता है कि जब भी मैं मंदिर जाता हूँ या सानिध्य में रहता हूँ तो कुछ कुछ गंदे गंदे विचार, मतलब लाइक कि चोरी हो गई तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ विचार आते हैं, इनको कैसे
देखिए, एक प्रकार का ये मानसिक विकार है, हमें इसको नज़रअंदाज करना चाहिए। आप इसके पीछे जितना देखोगे उतने परेशान होंगे। आइए आशीष। आशीष जी देहरादून से परियोजना निर्देशक गुणायतन। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम अपने गुरु के सानिध्य में आते हैं, उनके साथ में रहते हैं, तो कुछ दिनों तक एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, ये सिर्फ मन का है या एक्चुअली में होता है? कुछ दिनों तक मेरे साथ ऐसा कि मन पॉजिटिव रहता है, फिर वापस से बिजनेस में लग जाता है और चीज़ों में लग जाता है। देखो मैं तो ये मान रहा हूँ कि तुम्हारी बैटरी चार्ज होती तभी तो हर हफ्ता 15 रोज में यहाँ चक्कर लगा लेते। एक बार ज़ोरदार तालियाँ लगाइए। देहरादून कितनी दूर, और यहाँ के इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में ये बिल्कुल एक स्तंभ की तरह जुटे हैं। हर काम को छोड़ करके बार बार आते, और वो भी तब जब खुद का बहुत बड़ा कारोबार है। मैं तो ये समझता हूँ जो आदमी जितना बड़ा कारोबारी होता वही बड़ी सेवा दे सकता है। व्यस्त आदमी ही काम कर सकता है, निठल्ला तो निठल्ला ही होता है। तो हमने बिल्कुल ये भाव है, और इसलिए अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखना चाहते हो तो संपर्क की निरंतरता बना के रखो, वो जितनी अधिक होगी हमारा जीवन उतना प्रसन्न होगा। आज सब लोग आए हैं, क्योंकि आप सबको पता है गुणायतन का कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है, और उस कार्य को पूरी तरह संपादित करने में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। निवेदित करते हैं महाराज श्री, भगवान सौधर्म इंद्र छायिक सम्यक दृष्टि है या छायोपसमिक सम्यक दृष्टि, कृपया समाधान कीजिए। देखिए जितने भी इंद्र होते हैं, चाहे वो कल्पवासी देव हों या भवनत्री के, वे सब सम्यक दृष्टि होते हैं सुनिश्चित है, पर उनके छायिक सम्यक दृष्टि होने की अनिवार्यता नहीं। आगे आयुषी जैन ललितपुर से शीघ्रता से पहुँचेंगे अपना प्रश्न लेकर के, और साथ ही फिर अंशुल जैन मुंबई से अति शीघ्र पहुँचे। ओ आयुषी जी और अंशुल जैन उसके बाद। बोलिए। आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु महाराज जी। यदि किसी ग्रस्त की अंतिम समय में नमोकार मन सुनते मृत्यु हो तो उस जीव की क्या गति होगी, और यदि घर में हम स्वाध्याय करते हैं तो मंगलाचरण करना अनिवार्य है? देखिए अगर किसी की भी नमोकार जपते हुए समाधि पूर्वक अंत होता है तो वो सदगति का ही द्योतक है, उसकी उत्तम गति होगी। और कभी भी स्वाध्याय करो तो मंगलाचरण में परमेष्टि का स्मरण जरूर करो। हाँ, अंशुल जैन मुंबई से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे, निवेदन करूंगा। बोलो जल्दी। श्रीमती आशा जी गोधा पूर्व जिला न्यायाधीश भोपाल से। नमस्तो गुरुदेव। मेरी एक शंका ये है कि जब कभी भी हम दो धर्मों का या कंपैरिजन करते हैं तो जनरली प्रिंसिपल वर्सेस क्रिया का कंपैरिजन होता है, प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल और क्रिया वर्सेस क्रिया का कंपैरिजन नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? हम अपने आप अपने प्रिंसिपल को हम श्रेष्ठ बताते हैं पर कंपेयर करते हैं दूसरे की क्रिया से, सो ऐसा क्यों होता है? मेरी राय में कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। समझ गए। जब भी कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन की भावना क्या है? अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की इच्छा ही हमें कंपेयर करने के लिए प्रेरित करती, इसकी ज़रूरत क्या है? तुम जो हो उसे श्रेष्ठ तरीके से पूरा करो, तुम्हें किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लोग तुमसे कंपेयर करेंगे। आदर्श वो होना चाहिए। समझ गए। yes. नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती आशा जी गोधा पूर्व जिला न्यायाधीश भोपाल से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं सुनील जी शास्त्री छिंदवाड़ा से। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में मेरा भोपाल गोधा परिवार भोपाल की ओर से त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव मानव जीवन जो आत्मकल्याण हेतु सर्वश्रेष्ठ है, किंतु हम अपने बचपन में अपनी पढ़ाई लिखाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, युवावस्था में भी हम अपनी पढ़ाई और प्रोफेशन की व्यस्तता के कारण अपने आत्मकल्याण हेतु कुछ नहीं कर पाते, इस बात का हम लोगों को बहुत पछतावा होता है। जिस प्रकार से पछतावा हमारा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता हमारा भविष्य नहीं संवार सकती, गुरुदेव अब हम वर्तमान में अपने निवृत्त हो गए हैं,
अपने सेवा से, तो हम और हमारे जैसे लोगों के लिए जिससे हम अपना वर्तमान भविष्य संवार सकें, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही प्रासंगिक बात रखी। अगर हमने बचपन में कुछ नहीं किया तो सब कुछ खो गया, ये मानसिकता ठीक नहीं। जो बचा है वह भी हमारे लिए बहुत है, हमारी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए। गृहस्थ अवस्था के दौर को आपने पार किया, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम तो अभी आपके लिए खुला है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो बचा उसे संभाल लो, जिंदगी बदल जाएगी। आप सेवानिवृत्त हुए, सेवानिवृत्ति का अर्थ मैं कुछ और लेता हूँ। सेवानिवृत्ति का मतलब सेवा के लिए निवृत्ति, समझ गए? सेवा के लिए निवृत्ति, लग जाओ, कल्याण का रास्ता खुला है। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ रिटायरमेंट के पहले ही लोग दूसरा असाइनमेंट खोज लेते हैं। उस मकड़ जाल से बाहर आइए। मैंने अगर अपने जीवन की जरूरतों की पूर्ति कर ली तो अब मुझे इस गोरख धंधे में उलझने का काम क्या है? अब सारे दायित्व पूर्ण हो गए तो स्वयं के प्रति जो दायित्व है उसे पूरा करना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग व्यवस्था की दृष्टि से रिटायर भरे हो जाए, लेकिन टायर्ड होने के बाद भी रिटायर होने का मन नहीं बना पाते, है ना? बदलिए। आप लोग तो भाग्यशाली हो नौकरी पेशा वाले लोग होने के कारण कि सरकार ने एक व्यवस्था दे दी, अब हटना ही पड़ेगा। ये जो व्यापारी लोग हैं ना, मरते तक चिपके रहते हैं, छूटता ही नहीं है, उसी में उलझ के रह जाते हैं। सारा जीवन केवल गोरख धंधा में बदल जाता है। क्या अर्थ है उसका? सब व्यर्थ है, निरर्थक है। इसलिए हमें उस तरफ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सके। मेरे जीवन के लिए जो बचा है, जो शेष है, यदि मैं उसका भी उपयोग कर लूँ तो बहुत कुछ विशेष होगा। और हमने तो यहाँ आप ही लोगों के लिए व्यवस्था बनवाई है। जितने सब खप जाएंगे, आओ तो, समझ गए? यहाँ साधना वसतिका बन रही है। आज मैं मुझे दिखाया इन लोगों ने, अब तो पूरा लगभग फिनिशिंग पे है। देख लो, ऐसा बनाया है इन लोगों ने कि देख लोगे तो देख के मन होगा कि मैं यहीं रहूं। अपने जीवन को मोड़ने का एक अवसर। मनुष्य अपने जीवन के चौथे पन को संभाले, और अभी मौका है। जो कुछ भी हमने पढ़ा लिखा समझा उसे साकार करने का। मैं अक्सर कहता हूँ, बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा, समझ गए? और ये मत सोचो अब हम 60-62 के हो गए अब क्या होगा। अरे, हमारे तीर्थंकरों ने तो यही कहा, पहले गृहस्थ आश्रम फिर संन्यास आश्रम। मैं अक्सर कहता हूँ 19 तीर्थंकरों ने पहले गृहस्थी भोगी फिर दीक्षा ली। हम लोग अल्पमत वाले हैं, 5 हैं, बहुमत तुम्हारा है। उस आदर्श का अनुकरण करो। 5 ही तीर्थंकर ने बाल ब्रह्मचारी थे, 19 ने तो विवाह किया, ये भी काल के दोष से, होना तो 24 का ही ब्याह था। इसलिए धारणा हटा दीजिए कि मैं गृहस्थी में फंस गया तो निकल नहीं सकता। गृहस्थ बनो पर ग्रस्त मत बनो। गृहस्थी में ग्रस्त मत हो। अपने जीवन की धारा को
यदि हम सही दिशा में प्रवाहित करेंगे तो सुनिश्चित तौर पर अपना जीवनोत्थान कर सकें। गुरुदेव दृढ़ संकल्पित होते हैं कि नया कोई असाइनमेंट नहीं लगे, आपकी शरण में रहती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुनील जी शास्त्री परिवार के साथ छिंदवाड़ा से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा आज हमारे गुणायतन से जुड़े हुए परम संरक्षक के रूप में गोधा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। राकेश जी, श्रीमती रजनी जी का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ, प्रश्न के साथ साथ इनका अभिनंदन करेगा हमारा गुणायतन परिवार। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और छिंदवाड़ा जैन समाज का कोट साह नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि पदार्थ जब आगम को पढ़ते हैं तो सूक्ष्म होते हैं, दूरवर्ती होते हैं, अंतरित होते हैं, लेकिन जब युवा पीढ़ी को कक्षा के माध्यम से बताते हैं कि पदार्थ सूक्ष्म हैं तो दिखाई नहीं देते, दूरवर्ती हैं तो जा नहीं सकते, और अंतरित हैं तो उनको जान नहीं सकते जो हो चुके हैं, तो गुरुवर युवा पीढ़ी को कैसे साक्ष्य दें, प्रत्यक्ष कैसे दिखाएं उनको कि पदार्थ ऐसे होते हैं, कृपया स्पष्ट करें। नमोस्तु गुरुवर। आज के दौर में बताना बड़ा सरल है, सूक्ष्म दूरस्थ और अंतरित पदार्थ के बारे में बताना कोई कठिन काम नहीं है। सबको पूछो, क्या अपनी नंगी आंखों से परमाणु को देख सकोगे? सूक्ष्म है ना। यहां बैठे बैठे तुम अमेरिका का अवलोकन कर सकोगे? कह सकते हो सैटेलाइट के थ्रू सब कर सकते, मान लिया। लेकिन सैटेलाइट से बाहर, और आज जो हो तुम्हारे चौथे पांचवी पीढ़ी के पहले के पुरखों को तुम आज देख पा रहे हो क्या? अंतरिक्ष है ना। इसका मतलब क्या है? वो नहीं है तो हम देख नहीं पा रहे, हम देख भी पा रहे। इसलिए व्यवस्था को ठीक तरीके से समझना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का कुछ अच्छा कर सकेंगे। निवेदन कर रहा हूँ, पहुंच रहे हैं जो आज परम संरक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं, श्रीमती कांताबाई जी के पुत्र गोधा जी, राकेश जी, श्रीमती रजनी जी, राहुल जी, सीता जी, आदित्य जी, आकांक्षा जी, परीक्षा जी, एकांशी, आरोजन, समस्त गोधा परिवार यहाँ ये प्रश्न रखे। उसके पूर्व इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष, और मैं आशीष जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आए और इनका जोरदार तालियों के साथ और अभिनंदन करेंगे। और इतना ही नहीं बंधुओं, इन्होंने सहस्रकूट जिनालय में एक बड़ी प्रतिमा भी रखने का सौभाग्य पाया है। और इतना ही नहीं, जब प्रतिमा विराजमान होगी और वेदी में स्वर्ण लगेगा तो हम उसमें भी पीछे ना हटेंगे। 250 ग्राम कलश में 250 ग्राम सोना भी उन्होंने अपनी ओर से समर्पित किया है। जोरदार जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। उस मैं पूनम जी से निवेदन करता हूँ इनका अभिनंदन करने के लिए। सुभाष जी यहाँ पर उपस्थित, पूनम जी आए और अभिनंदन करें। जोरदार जोरदार ताली बजाएं बंधुओं। उसी रूप में स्वर्ण दान में बंधुओं एक अंगूठी जिन्होंने यहाँ पर समर्पित की है इस जिनालय के लिए, श्रीमान स्वराज जी, धर्मपत्नी किरण जी, डॉक्टर नीलम जी, डॉक्टर प्रमेश जी जैन की ओर से गुणायतन के लिए उन्होंने ये समर्पित की है अंगूठी। बहुत 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 उनको धन्यवाद लीजिए अपना। ये राकेश रजनी गोधा पिछले 3-4 वर्षों से निरंतर जुड़े हैं, ये चला करके आए कि मुझे अपना द्रव्य लगाना है। दो दिन से मुझसे कह रहे थे, मैंने कहा और थोड़ा रुक लो, सोच लो, बच्चों से पूछ लो। आज बोले महाराज कल का और आज का प्रवचन सुनकर मैं हिल गया, आप तो जो करना है कर लो, बच्चे जब आएंगे सो आएंगे, हमने उनसे पूछ लिया है, उनकी अनुमोदना है। बहुत बहुत भावना है इनकी, मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और लोग आप जैसे लोगों से प्रेरित होते रहे। पूछो प्रश्न रख रहे हो, इसी के बाद प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। श्रीमान स्वराज जी, धर्मपत्नी जिन्होंने एक अंगूठी भी यहाँ पर समर्पित की है, वो यहाँ तैयार रहेंगे। प्रातः स्मरणीय गुरुवर के चरणों में सादर नमन, सादर नमन, सादर नमन। हे गुरुवर, झील ने झरने से पूछा, झील ने झरने से पूछा, तू बरसों से एक ही जगह पर खड़ा हुआ, इतना छोटा बना हुआ हुआ, आगे बढ़ के देख, तेरी राह में झील, नदियाँ, समुद्र हैं, आखिर समुद्र क्यों नहीं बन जाता?
तब झरने ने बड़ी मासूम से कहा कि मैं बड़ा बनने से खारा होने से अच्छा है कि मैं छोटा बन के मीठा ही रहूं। तो गुरुदेव हम भी मीठा कैसे बने खारेपन से? बहुत सुंदर। बड़ा होकर खारा बनने से अच्छा है छोटा बनकर मीठा ही बने रहूं। बहुत अच्छी प्रेरणा इस झरने के संवाद में। आपने पूछा है क्या करूं? झरने के आदर्श को आत्मसात कर लो, जो है उसे लुटाने में संकोच मत करो और आगे के लिए बचाने की चिंता मत करो, अपने आप स्रोत आएगा। जो प्राप्त को बांटता है भविष्य के लिए निश्चिंत होता है, उसके जीवन में ही मिठास आती है। मुझसे एक बार किसी ने आपके ही जैसा सवाल दूसरे तरीके से पूछा कि नदियों का जल मीठा और समुद्र का जल खारा क्यों होता है? यही शंका समाधान में पूछा। आप लोग तो कुछ भी पूछ लेते हो। नदियों का जल मीठा और समुद्र का जल खारा क्यों होता है? मैंने कहा नदियां अपने पास कुछ नहीं रखती, सब बांट देती है, और समुद्र जो आता है अपने पास रोके रखता है। इसलिए जहां संग्रह है वहां खारापन है, जहां वितरण है वहां मिठास। तो अपने अंदर मिठास लाना है तो वितरण बांटना सीखिए। आज का मैं सम्मान अपनी पूज्य माताजी श्रीमती कांताबाई गोदा के चरणों में रखता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मुझे कुछ बनने का मौका मिला, और मैं सबसे बड़ा आशीर्वाद सहयोग जो कुछ भी कहूँ मैं अपने प्रातः अपने गुरुवर के चरणों में अर्पित करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर। बहुत 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 चलिए। इसके साथ ही एक मिनट और, आप सभी उपस्थित लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे कह रहा हूँ आप भी गुड़ाधन में आइए। आज से 3 साल पहले मैं निर्माण निधि जोड़ा था, लेकिन आया यहाँ का सारा कार्यक्रम देखा, अद्भुत अनुपम था। मुझे लगा शायद मैं बहुत पीछे रह गया, मुझे भी अपना गुणायत्र एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर आया, फिर देखा नहीं एक कदम भी बहुत कम है, यहाँ तो अगर शेष कदम भी अगर गुणायत्र चलना पड़े तो चल पड़िए, मत रुकिए। और आज फिर गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, फिर एक कदम आगे बढ़ गया। आगे मेरी कामना है मैं एक कदम आगे और बढ़ूँ, इसलिए आगे बढ़ता हूँ, एक दिन गुणायत्न जैसा बन जाऊँ, ये गुरुदेव से मेरी इच्छा। जोरदार जोरदार तालियों के साथ इनकी अनुमोदना अपन करते हैं बंधुओं। और आ रहे हैं धर्म पत्नी किरण जी और श्रीमान स्वराज जी, जिन्होंने एक स्वर्ण की अंगूठी भी यहाँ पर समर्पित की है, अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसी के बाद तैयार रहेंगे चंद्र प्रकाश जी, नीतू नमन जी, नम्रता जैन कोलकाता से। चलिए बहुत सुंदर। हाँ रखिए प्रश्न जी। पूज्य मुनिवार परमा सागर जी अराय सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवार, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इत्र की खुशबू से कपड़े तो महक जाते, लेकिन मैं अपने घर परिवार संचार की वगिया को किस प्रकार महकाऊँ? कि कपड़ों को महकाना है तो इत्र की खुशबू, और जीवन को महकाना है तो चरित्र की खुशबू फैला, अपने आप सब कुछ पवित्र हो जाए। चलिए नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। लीजिए नम्रता जैन कोलकाता से, चंद्र प्रकाश नीति जी, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा जो हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं विद्या विजय जी कासलीवाल नादेड़ वाला पूरा परिवार यहाँ तैयार रहेगा, और इनका अभिनंदन करने के लिए भी मैं निवेदन करूंगा प्रद्युम्न जी और संजय जी गोधा यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। निवेदन कर रहा हूँ। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे माता पिता एवं बड़े जनों और हमारे विचारों के बीच कभी कभी टकराव आता है, अक्सर जनरेशन गैप के कारण, और कई बार ऐसे विवाद भी हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी विषय के संबंध में शंका समाधान के सत्र में आपसे कोई वही प्रश्न पूछता है तो आप उसको बड़े ही तार्किक और साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं, तो महाराज जी हम भी इतना कॉन्फिडेंस और एक कन्विंसिंग स्किल कैसे अर्जित कर सकते हैं, और अपने माता पिता एवं बड़े जनों के साथ विचारों में तालमेल कैसे ला सकते हैं? देखो इसका एक मंत्र है, सबसे पहले सुनना सीखो, समझ गए? मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर कब दे पाता हूँ? जब धैर्य पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनता हूँ तभी ना दे पाता हूँ। अगर मैं आपकी बात को सुन ना पाऊँ तो कोई उत्तर दे पाऊँगा क्या? एक मंत्र ले लो, बड़ों की बात अच्छी हो या बुरी
हमें सुनना है, मानना है, नहीं मानना ही नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सुनना है। ये व्रत ले लो, जी हां कहना सीखो। जैसे बड़े कुछ बोलते हैं, नहीं ऐसा कैसे होगा, आधी बात को काटते हो ना तो उनको लगता है कल की छोरी मुझे आज सिखा रही है। वो ईगो को चोट लगता है। और मैं मानता हूं बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप के आगे तो बच्चे ही, और ये महसूस होना भी चाहिए। हालांकि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की योग्यता और प्रतिभा को समझकर, बेटा होने के कारण या बेटी होने के कारण या छोटा होने के कारण उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, अच्छी बात को तुरंत स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन अगर बड़े कुछ कहते हैं सिरे से काट देना हमारे शिष्टाचार के विरुद्ध है। हमारी शालीनता कहती है पहले आप उनकी बात को अपनी सम्मति दो। ठीक, आपने कहा ठीक, बात लग रही है कि गलत है, ये बात ठीक नहीं है, इसके परिणाम ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद कहो कि आपने मुझसे ये बात कही, मैंने उस पर विचार किया, पर उसमें मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है। सामने वाला अगर जिद्दी स्वभाव का नहीं हो, कुछ ऐसे होते हैं अड़ियल जो एक बार निकल गई तो नहीं यही करना है, लेकिन थोड़ा भी समझदार होगा, कहेगा ठीक तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात मुझे जच रही है, इसका जो सॉल्यूशन दिखता निकाल लो, मामला खत्म। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक दूसरे के साथ नोक झोंक हो जाती है, बहस होने लगती है। नहीं, बड़ों को जवाब देना कतई अच्छी बात नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, बड़ों के साथ कैसा विनम्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। विश्वनाथ आनंद का नाम आप सबने सुना होगा, मैंने उनके बारे में सुना कि वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। विश्वनाथ आनंद जो शतरंज के बड़े खिलाड़ी, विश्व स्तर के विश्व विजेता भी रहे, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में थे। एक बुजुर्ग दादाजी ने पूछा क्या करते हो बेटा, बोले शतरंज खेलता हूँ। अब उपदेश देना शुरू कर दिया, अरे जवानी में शतरंज खेल करके सब गड़बड़ करता है, अरे कुछ व्यापार कर, अभी तेरी उम्र व्यापार करनी, खेलने कूदने की है क्या। कोई प्रतिवाद नहीं कहा, जी बाबूजी आपकी बात पर विचार करूँगा। जितना प्रवचन उनको देना था उनने दे लिया, इन्हें सुन भी लिया। जब स्टेशन आया वो उतरे तो खुद विश्वनाथ आनंद उनका सामान लेकर उन्हें गेट तक छोड़ने गया, लौट कर आए। विश्वनाथ का एक मित्र उनके साथ था, उसने कहा आपसे ऐसी ऐसी बात उस सज्जन ने की, आपने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा बड़ों की बात काटना हमारे संस्कार के विरुद्ध है, बड़ों की बात काटना हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उसने कहा ठीक, कम से कम जब छोड़ने जा रहे थे तो कह देते मैं विश्वनाथ आनंद हूँ। बोले नहीं, ऐसा करता तो उन्हें घोर ग्लानी होती और मेरे पीछे कोई बुजुर्ग शर्मिंदा हो, ये मेरे जैसे संस्कारी व्यक्ति के योग्य नहीं है, ये मेरे संस्कार के विरुद्ध है। बड़ों की बात काटना मेरे संस्कार में नहीं है, और मेरे लिए कोई बड़ा शर्मिंदा हो ये मेरे संस्कार के विरुद्ध है। यह है विनम्रता का आदर्श। यदि हर बच्चा ऐसा घर में कर लेना तो किसी घर में कभी कोई गड़बड़ ही ना हो। बच्चे बड़ों का बहुमान करे और बड़े बच्चों को वात्सल्य से भरे। चलिए, हाँ नमोस्तु, निवेदन कर रहा हूँ शिरोमणि संरक्षक परिवार से विजय विद्या जी, विद्या विजय जी कासलीवाल नांदेड़ से पूरा परिवार, और इनका अभिनंदन करने के लिए प्रद्युम्न जी और संजय जी गोधा वो अपना प्रश्न भी रखेंगे, तैयार रहेंगे। इसके बाद सुभाष सुजाता जी झांझरी पुलगांव से जोरदार जोरदार तालियां बजाकर, बंधु इन्होंने आज प्रथम शांति धारा भी की है, ताली तो बनती है बंधु, जोरदार तालियों के साथ इस परिवार के लिए अभिनंदन, और लीजिएगा अपना प्रश्न रख रहे हैं विद्या विजय जी कासलीवाल, तैयार रहेंगे सुभाष सुजाता जी झांझरी। मैं नीलम जी से निवेदन करता हूँ, गधा जी से आए और उनका अभिनंदन करेंगे, महिलाओं का अभिनंदन करने के लिए श्रीमती नीलम जी गोधा लीजिए। जब तक आप प्रश्न कीजिएगा माइक दीजिए।
नमस्ते गुरुदेव, मैं विद्या विजय जी कासलीवाल नांदेड़ महाराष्ट्र से। महाराज जी, अगर किसी के प्रति हमारे भाव बिगड़ रहे हैं, मान लो हमें उनसे प्रति निंदा के भाव हो रहे हैं और हमें पता है कि हमारे भाव उनके प्रति अवगुण देखने के हो रहे हैं, तो हम हमारी भावना के उनके प्रति कैसे बदले कि हम उनके गुणों पर नज़र डालें और हमारी भाव शुद्धि हो। देखिए, अगर किसी के प्रति इस तरह के दुर्भाव मन में आ रहे हैं तो सबसे पहले अपनी निंदा करें, अपनी गर्हा करें, नहीं ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मन को धिक्कारे, मन ही मन कुछ प्रायश्चित करें। और सबसे उत्तम ये है कि हम सामने वाले के पास साहसपूर्वक जाकर के कह दें कि भैया, मेरे मन में तुम्हारे प्रति न जाने क्यों दुर्भाव आए, मुझे माफ़ करना, मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो। एक बार साहसपूर्वक कर लो, दोबारा ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। नमस्ते गुरुदेव। सुभाष सुजाता जी, झांझरी फुलगांव। अभिनंदन हो रहा है इस परिवार का, आप लोग तालियों के साथ जरूर अभिनंदन करें। बंधुओं, इतनी दूर से गुरुदेव के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं गुरु चरणों के सेवक। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय।